नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई बहरीन से रिलेटेड। और अपडेट भैया देखिए, मैं पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ पे सिर्फ ई वीडियो बनाया जाता है आपको जानकारी देने के लिए। कोई हिंदू धर्म, कोई मुसलमान धर्म या मुस्लिम धर्म, किसी भी धर्म से रिलेटेड अगर मैं आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप यूट्यूब के नीचे जाके गलत कमेंट करें किसी धर्म के खिलाफ। ये बिल्कुल इलीगल होगा। अगर कुछ गलत अगर आप कमेंट करते हैं तो इसमें आपकी जिम्मेदारी रहेगी। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं बहरीन में एक मोमडन महिला ने हिंदू धर्म के जो मूर्ति हैं उनको तोड़ी गई। जी हाँ, ये न्यूज 3 से 4 दिन पहले की है। कोई मोमडन महिला थी, उम्र थी 54 साल। जी हाँ, जुबेरा बहरीन में जुबेरा एक जगह है, वहाँ पे एक शोरूम था बड़ा, वो महिला उसके अंदर घुसी। बाकायदा सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। उस महिला ने वहाँ के अंदर गई, वहाँ पे गणेश जी की मूर्तियाँ या और भी हिंदू धर्म की मूर्तियाँ थी, उन्होंने एक एक करके तोड़ना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, उन्होंने बोला कि बहरीन मोमडन कंट्री है, यहाँ पे हिंदुओं का क्या काम। जी हाँ, ऐसा उन्होंने कुछ गलत बयान किए तो भाई पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उस पर FIR करके उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसकी जांच के आधार पे उसको अभियोजन पक्ष में भेज दिया गया है। आप समझ सकते हैं शॉर्ट तरीके से जेल में। जी हां, अब पूरा वाकया हुआ क्या, पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पे पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ये पूरी न्यूज़ मैं बता दूं आपको, इसमें स्क्रीनशॉट भी आपके आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी BBC की न्यूज़ भी आ रही है, सब जगह आ रही है। 54 वर्षीय महिला जो सांप्रदायिक, मतलब एक माइंड में नेगेटिविटी होती है भाई, धर्म का यहाँ पे इश्यू नहीं है, किसी भी व्यक्ति में ऐसा हो सकता है, एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना, उनके प्रति नफरत पैदा करना, जबकि बहरीन में 17 लाख पॉपुलेशन रहती है। जी हाँ, टोटल उनमें से आधे से ज़्यादा एशिया के लोग हैं, हिंदू भी बहुत हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिला है बहरीन में कि ऐसी घटिया हरकत वहाँ पर की गई। जी हाँ, तो भाई बहरीन सरकार ने भी सख्ती दिखाते उसके ऊपर एक्शन लेते हुए कानूनी कार्रवाई कर दी। जी हाँ, करके उसको भेज दिया गया अभियोजन पक्ष, यानी उसका एक तरह से जेल में आप मान सकते हैं कि उसकी कार्रवाई कर दी गई है। और वहाँ के जो शाही परिवार है, वहाँ के जो मंत्री, कानून मंत्री, उनके भी बयान आए हैं कि बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसी बातों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी बहरीन जो संस्कृति है वो इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करती है, बिल्कुल हम इस बात को एग्री नहीं है, और जो भी हुआ गलत हुआ उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। सब धर्म समान है, किसी भी धर्म में ऊंच नीच का भाव नहीं बताया गया है, लेकिन ये लोगों की ओछी मानसिकता है कि वो एक दूसरे धर्म के खिलाफ गलत टिप्पणी करना, सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो करना वगैरह वगैरह। मेरा ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने का सिर्फ इतना सा मोटिव है कि भाई आप विदेश में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, आपका 100% फर्ज बनता है कि अपने धर्म से पहले सामने वाले धर्म के व्यक्ति की इज्जत करना। जी हाँ, अगर आप ये करोगे तो आप अच्छा भी कहलाओगे, आपकी इज्जत भी करेगा सामने वाला, और आप एक तरह से मान लीजिए अच्छे नागरिक देश के बन जाओगे। अगर आप गलत करने की कोशिश करोगे कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, सामने वाले का घर बुरा है, उसमें ये है ये है, ये बातें आपके ऊपर लागू नहीं होती, आपको कोई अधिकार नहीं है एक दूसरे के धर्म के खिलाफ गलत बातें, गलत कमेंट सोशल मीडिया पे डालना, ऐसी हरकतें करना, ये आए दिन ऐसी होती रहती है और उनका अंजाम भी उनको भुगतना पड़ता है। एक छोटी सी गलती की वजह से उनकी खाट खड़ी हो जाए, अगर वो एशिया की है, अगर वो औरत एशिया की है तो उसका 100% डिपोर्ट होना है, ब्लैक लिस्ट होकर डिपोर्ट हो जाएगी वो, ये बात है। और अगर वहां की है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी है। तो इन चीजों से बचें आप, चाहे कोई भी देश में रह रहे हो, कोई भी धर्म के लोगों के साथ रह रहे हो, धर्म किसी को गलत बातें करना, किसी एक दूसरे के खिलाफ गलत बोलना नहीं सिखाता। ये तो हम लोगों की मानसिकता ऐसी बन जाती है किसी बातों से प्रेरित होकर, जो गंदे इंसान होते हैं अपने रोटी सेकने के चक्कर में हम लोगों को आपस में गंदा बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। बस यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।